हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे SUI वर्सेस ROM, फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि स्विट्जरलैंड वर्सेस रोमानिया के बीच जो ग्रुप डी का मैच नंबर 6 खेला जाना है। 4 अक्टूबर को ये शाम 3 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगी। ये ECC इंटरनेशनल T10 की सीरीज चल रही है। वेन्यू जो रहेगा सेम रहेगा, कारतमा ओवल कारतमा का रहेगा, जो कि स्पेन में है। सरफेस की बात कर ले तो अच्छी खासी यहाँ पे बल्लेबाजी को एडवांटेज है। आप देखेंगे कल के दिन भी 3 मैचेस जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती और 2 मैच जो है यहाँ पे चेस हुई थी। 3 मैच बल्लेबाजी फर्स्ट और 2 मैच चेस हुई थी, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी को थोड़ा सा एडवांटेज है। वैसे पेसर बॉलर जिनका लाइन लेंथ अच्छी है या फिर डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगे, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो स्पिनर को भी यहाँ पे हेल्प है। एवरेज स्कोर की बात कर ले तो 110 से 120 के बीच आराम से रन यहाँ पे बन रही है। सेम वेन्यू में इस सीज़न 77 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 42 मैचेस बैट फर्स्ट करने वाली जीती है, 34 मैच चेस हुए थे और 1 मैच टाई में रिजल्ट आया था, यानी कि गोल्डन बॉल में। तो हेड टू हेड मुकाबले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 42 मैचेस यहाँ पे बैट फर्स्ट करने वाली जीती है, तो थोड़ा सा एडवांटेज है। पहले बल्लेबाजी जो टीम करती है रन अच्छे खासे बना देते हैं, तो थोड़े से एडवांटेज है यहाँ पर बल्लेबाजी को। हेड टू हेड की बात कर ले तो 1 मैचेस जो है इनके बीच 1 मैचेस हो चुके हैं कल के दिन। पहला मैच स्विट्जरलैंड और रोमानिया के बीच मैच हुआ था, जिसमें कि स्विट्जरलैंड जो है मैच जीत गई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कल का मैच पहला ही मैच था इन लोगों का, रोमानिया 92 किए थे 6 विकेट खोकर 10 ओवर में, वहीं पर स्विट्जरलैंड 94 ईजिली चेस कर लिए थे 8.5 ओवर में, यानी कि लगभग 9 ओवर में यहाँ पर आराम से चेस कर गए थे 4 विकेट खोकर। तो स्विट्जरलैंड जो है 6 विकेट से ये मैच जीती थी। अब जो जरूरी इंपॉर्टेंट जो रहेगी अपडेट, लास्ट टाइम अपडेट के लिए आपको अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं आप अगर, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में। आपको लिंक से ही आना है, विदाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाए। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। और जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यू विजिट किए हैं इस वीडियो में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं स्विट्जरलैंड की, जो कल के दिन दो में से दो मैचेस जीती है। इनके दोनों मैचेस में ओपन आए थे फहीम नज़ीर, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, 22 और 11 की, और दोनों मैचेस में 2-2 ओवर की गेंदबाजी की है, तीसरा और पाँचवा और 10वां। तो लास्ट मैच में इन्होंने डेथ में भी बॉलिंग की, तो इस हिसाब से ये 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, टॉप क्लास बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल इनको CBC ट्राई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुरलीधरन गणेशवरन, जो कि पहले मैच में जो है इनकी जो बल्लेबाजी थी बहुत अच्छी लगी, बट सेकेंड मैच में मात्र 6 रन ही किए, आप बिल्कुल ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। जयसिन मिस हिट प्लेयर है, अगर ये खेलते हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर ये चल गए तो आपको अच्छे खासे स्कोर दे देंगे, नहीं तो ये आपको सीधे बहुत ही कम स्कोर भी कर लेते हैं। तो ये मिस हिट है, अगर चल गए तो बहुत अच्छे प्लेयर है। अर्जुन विनोद की बात कर ले तो आप देखेंगे 4-3 से 4 डाउन आ रहे हैं, एक ठीक ठाक सही ऑप्शन है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं पर अभी तक नहीं किए हैं। सत्यनारायण एक अच्छे ठीक ठाक सही विकेट कीपर है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा लोअर ऑर्डर में आ रहे हैं इसलिए थोड़ा देखना रहेगा। बाकी अगर टॉप 4-5 में है तो भी ठीक है, सत्यनारायण आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। असद मोहम्मद जो कि लोअर ऑर्डर में आ रहे हैं, उतना कुछ खास नहीं किए हैं, आप देखेंगे पहले मैच में 9 रन किए थे, 5 गेंदों में नॉट आउट रहे थे, बाकी दूसरे मैच में इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला। अली नैयर जो कि फर्स्ट मैच में जो है बिल्कुल ही कहेंगे कि लोअर ऑर्डर में थे, इनका नाम मेंशन था, 6 नंबर तक बैटिंग आ गए थे फिर भी नहीं आए थे, और सेकेंड मैच में देखेंगे कि ये 3 डाउन आ गए थे, 4 नंबर पे आ गए थे, 49 के थे, 26 और 2 विकेट भी लिए थे। तो CBC के एक ऑप्शन अली नैयर भी है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। नूर खान अहमदी जो कि दोनों मैचेस खेले हैं बट दोनों मैचेस में कुछ करने का मौका नहीं मिला है। नलिम्बका कुमार यानी कि अनिस कुमार भी इनका बोला जाता है, तो अनिस कुमार या नलिन अंबिका कुमार दोनों सेम ही है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोला है, दोनों मैच में 2-2 ओवर की गेंदबाजी की है, लोगों का ध्यान इन पर नहीं है, बट आपका आज के लिए GL का बेस्ट पिक निकल के आ सकता है। नलिन अंबिका कुमार का आपको ध्यान रखना है, दोनों मैच में पूरे ओवर किए हैं, लास्ट मैच में 1 विकेट भी लिए थे। अश्विन विनोद एक और एक डिफरेंशियल पिक है, आप देखेंगे फर्स्ट मैच में तो डेथ ओवर किए थे बट लास्ट मैच में इन्होंने पहला और तीसरा ओवर किया, अगर इस केस में आप इनको ट्राई
करना चाहते हो ठीक है, बट अगर ओपनिंग गेंदबाजी ही करते हैं तो फिर आप रिक्स लेके छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको ठीक ठाक से प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। कैनराडो फ्लेजर जो कि दोनों में दो मैच में ही 5 विकेट निकाले हैं, लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल आपके लिए एक बेस्ट पिक है, बिल्कुल आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं। अब आप यहां से स्विट्जरलैंड के फुल स्टेट देख सकते हैं, जिस भी प्लेयर का देखना है मैंने यहां पर लिख रखा है। जैसे कि आज कुछ न्यू प्लेयर अगर खेलते दिखे तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। यहां से ओसामा मोहम्मद एक बेस्ट ऑप्शन है, अंसर मोहम्मद खेलते दिखते हैं तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, जयसिंह खेल ही रहे हैं, बाकी नूरखान अहमदी भी खेल रहे हैं, सत्यनारायण के आप पिछले स्टेट देख सकते हैं। तो फुल स्टेट्स यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, आप जिसको भी आप देखना चाहते हैं जिस भी प्लेयर का बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, आराम से आप अपना स्क्रॉल करके देख सकते हैं, वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं, जैसे देखना है बिल्कुल देख सकते हैं। डैन पारी अगर खेले तो आप इनका भी स्टेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, इजहार हुसैन खेले तो देख सकते हैं, तनवीर हुसैन भी खेले तो देख सकते हैं, नलिम्बका तो खेल ही रहे, अब्दुल्ला जहीर अगर खेले तो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके अगेंस्ट जो दूसरी टीम खेलेगी रोमानिया की। रोमानिया की दोनों मैच हार के आ रही है, इनके तरफ से दोनों मैच में गोहर मनन आए थे ओपनिंग करने के लिए, 13 और 5 किए हैं, ये भी मिस इन एंड हिट प्लेयर है, अगर चलते हैं तो आपको अच्छे खासे स्कोर दे देंगे, नहीं तो आप इनको आप रिक्स लेकर टीम में ड्रॉप भी कर सकते हैं। मोहम्मद मोयज जो कि बहुत अच्छे प्लेयर है बट अभी तक बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से एवरेज सा ही किए हैं, बट आपके लिए सीबीसी के एक बेस्ट ऑप्शन है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अभी तक मुझे इस टीम से मोहम्मद मोयज ही लग रहे हैं। रमेश सतीशन, देखिए रमेश सतीशन के बारे में मैंने पहले मैच में बोला था कि इनके टीम से राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है तो एक आधी ओवर डाल सकते हैं, और वही हुआ, पहले मैच में लेग स्पिनर इनके टीम में नहीं थे तो इन्होंने एक ओवर डाला, बट सेकेंड मैच में आ गए थे एक लेग स्पिनर कौन, सुखरन शाही, तो इनको ओवर नहीं मिला। अगर सुखरन शाही नहीं खेलते तो इनके इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, अगर सुखरन शाही अगर खेलते हैं तो फिर ये सिर्फ बल्लेबाजी ही करते दिखेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर रमेश सतीशन अगर सुखरन शाही नहीं खेलते हैं तो आप इनको टीम में भी रखेंगे और एक आधी टीम में जीएल में सीबीसी भी ट्राई कर लेंगे। वासु सैनी एक ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके टीम में बिल्कुल होने चाहिए, ये भी एक सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सद्विक नाटिक टोला आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, एज ए विकेट कीपर थोड़ा सा आप कह ले तो नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 से 6 नंबर में कर रहे हैं, बट एक ठीक ठाक से ही प्लेयर है। गौरव मिश्रा भी ठीक ठाक से है, आपको 2 ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं, पहले मैच में इनको 1 ओवर कटा था बट इनको 2 ओवर पूरे मिलने चाहिए। अब्दुल शकूर जो कि एक विकेट कीपर बैट्समैन है बट बहुत ही नीचे आ रहे हैं, 7-8 नंबर पर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। बाकी फर्स्ट मैच में इन्होंने 24 रन की नॉक खेली थी। मनमीत कोहली की बात कर ले तो 3रा और 7वां ओवर बल्लेबाजी किए थे और 4था और 8वां, तो बेस्ट ऑप्शन है, 2 ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं, लास्ट मैच में 3 डाउन भी आए थे तो इस चीज़ का एडवांटेज है। सईदुल्ला मुझे उतने खास बॉलर नहीं लगते, आप इग्नोर करके भी इनको जा सकते हैं, कुछ उतना खास नहीं है। निक टना साहब पहले मैच खेले थे, सेकंड मैच नहीं खिलाया गया। मरियन गिरास हम पहले मैच खेले थे, सेकंड मैच नहीं खिलाया गया। लुका पेट्री पहले मैच नहीं खेले थे, सेकंड मैच खिलाया गया जहाँ पे 10 नंबर पे आए थे, तो इन लोगों का कुछ खास नहीं है। सुखकरण शाही अगर खेले तो जीएल के लिए एक ऑप्शन रहेंगे, ये 2 ओवर की भी गेंदबाजी कर सकते हैं। अब आप यहां से रोमानिया की फुल स्टेट देख सकते हैं, अगर कोई न्यू प्लेयर खेले जैसे सुदीप ठाकुर जैसे प्लेयर एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर खेलते हैं तो डायरेक्टली आप इनको सीबीसी कर सकते हैं, T20 इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है। बाकी आप जिस भी प्लेयर का यहां पे और भी नए प्लेयर अगर कोई है, रमीज खान जैसे प्लेयर है तो इन लोगों का आप अगर खेलते दिखते हैं, निशान देवरे एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, अगर खेलते हैं तो आपके लिए ओपन भी आ सकते हैं, तो ये फिलहाल अभी इंजरी से गुजर रहे हैं, कहीं प्रैक्टिस के दौरान निशान देवरे को इंजरी हुई थी इस कारण से अभी नहीं खेल रहे, बाकी देखते हैं जब फिट हो जाएंगे तो ज़रूर ये आ जाएंगे। बाकी यहां से जो भी प्लेयर है रविंद्र अथापत्तू जैसे खिलाड़ियों को आपको ध्यान देखना है, अब तब अहमद कियानी अगर खेलते तो इनके भी स्टेट्स उपलब्ध है, तो मरियन ग्रेस हम वैसे खेल चुके हैं, लोगा निका ये सारे प्लेयर खेल चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में। देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं ए शकुर को नहीं, एस नाटिक टोला और एस नारायण में से आप जिसको लेना चाहते हैं बिल्कुल ये आपके लिए ऑप्शन है, ये दोनों में से ही आप ट्राई करेंगे क्योंकि अब्दुल शकुर बहुत ही नीचे आ रहे हैं। इस केस में यहाँ पे सबसे फर्स्ट चॉइस जो मोहम्मद मोयज होंगे, यहाँ से एम गणेशकरा को बिल्कुल ले सकते हैं, जी मनान एक बेस्ट ऑप्शन है, आर सतीशन भी एक बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे कुछ ये बेस्ट ऑप्शन है, और यहाँ से जो है मैं अभी फ़िलहाल के लिए जो है यहाँ पर जी मनन और एम गणेशकरन को ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप आर सतीशन को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, या तो आप जी मनन के जगह अगर सेफ जाना चाहते हैं तो आर सतीशन को ले सकते हैं। वैसे जी मनन जो है एक अच्छे प्लेयर है, आप बिल्कुल जीएल में ट्राई कर सकते हैं, ओपनिंग आएंगे। यहाँ से आप बात कर ले तो मनमीत कोहली, वासु सैनी और फहीम नज़ीर और गौरव मिश्रा, ये 4 इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप यहाँ से जय सिंह को लेना चाहते हो ले सकते हो, सिर्फ वो आपको बल्लेबाजी देंगे, बाकी ये चारों जो है आपको बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों देंगे, तो इस चीज़ का एडवांटेज है। बाकी के फ्लेचर और ए नैयर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। बाकी देखिए एन कुमार यहाँ पे एक आज के लिए गेम चेंजर पिक रहेगी और ए विनोद, दोनों अगर पहले इन लोगों की गेंदबाजी आ जाती है
ये विनोद अगर टीम में लेना चाहते तो बिल्कुल ले सकते हैं, जीएल में बिल्कुल ठीक ठाक से पिक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए एन कुमार के साथ जा रहा हूँ, बाकी यहाँ से अगर कोई खेलते हैं तो मैं वो आपको टेलीग्राम में दूंगा। एस साहिब भी एक बेस्ट ऑप्शन है जीएल के लिए, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो अभी के लिए कुछ हमारी डेमो टीम कुछ इस प्रकार से, इनमें सीबीसी के ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, एफ नज़ीर सबसे बेस्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो मोहम्मद मोइज, उसके बाद आप यहाँ से गौरव मिश्रा, ये तीन और एक ए फ्लेचर जो कि अच्छे खासे ले रहा है, और ए नहीं यार एक पाँच चार पाँच प्लेयर है। वैसे आप एन कुमार को भी जीएल में ट्राई कर सकते हैं, एक बेस्ट पिक रहेगी। बाकी आप विकेट कीपर से जिसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो कुछ अभी इस प्रकार से हमारी डेमो टीम है। अगर आप न्यू विजिट किए हमारे चैनल में तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ।